प्रार्थना करूंगा, एक अर्चना करूंगा, एक वंदना करूंगा कि आप जब भी शनि धाम में आए, जब भी महाराज श्री के यहाँ आए तो महाराज श्री से एक ही बात कहें, महाराज श्री जाने में अनजाने में हमसे कभी कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए, हमें अपने श्री चरणों से दूर ना करना, हमें क्षमा प्रार्थी करना, यही बात कहोगे तो वो कोई ऐसा व्यक्ति खाली नहीं जाएगा। जो भक्त इस दरबार से कुछ मांगने के लिए आएगा वो इस दरबार से खाली नहीं जाएगा, इस बात की सत्यता है। और आज इसी बात की सत्यता से आज बड़े बड़े जो अपने आप को पीठाधीश्वर कहते हैं, बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, बड़े बड़े दरबार सजाते हैं, लाखों लोगों रुपया लोगों से लेते हैं, और महाराज श्री की तो ऐसे कृपा हुई कि मात्र 125 रुपए में आप अपने संकट को कटवा लें। तो ऐसे सद्गुरुदेव को हम नमन करते हैं और वंदन करते हैं, और मैं तो वंदन करता हूँ महाराज श्री की माता श्री का, जिनकी कोख से ऐसे बालक ने जन्म लिया, जिन्होंने पूरे राष्ट्र में डंका बजा दिया। तो मैं तो एक ही बात कहकर गुरुवाणी को विराम दूंगा, यहाँ मन से आए और जो महाराज श्री का दिशा निर्देश उसका पालन करें, बोलिए शनि धाम की, शनि देव भगवान की, बालाजी सरकार की, मनु भैया की, साचे दरबार की। तो ब्राह्मण समाज की तरफ से सत्कार हुआ, लेकिन ये तो सभी समाज की तरफ से सत्कार होना चाहिए, क्योंकि मुझ में तो सारे ही रूप हैं। थोड़ी देर बाद मैं आपके लिए शूद्र बन जाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा, उसके थोड़ी देर बाद जब मैं 125 रुपए का उतारा करूंगा तो मैं वैश्य बन जाऊंगा, और जब मैं सारी दुनिया के भक्तों को और पूरे विश्व के उन संतों को ललकार के अपने अश्वमेघ यज्ञ की बात करूंगा तो क्षत्रिय बन जाऊंगा। तो मेरा अश्वमेघ यज्ञ है ये, और आज 40 दिन के करीब हो गए हैं, किसी ने आज तक उसको पकड़ा नहीं है। और उस यज्ञ का एक ही प्रण है कि प्रेत होते हैं, और वो हमारी परंपरा में है। जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने ही सब कुछ बदला है, उल्टा सीधा कर दिया है, वो ये जान ले कि ब्राह्मण तो मात्र आप सबके इशारे पर चलता है, वो तो महर्षि वाल्मीकि की रामायण का पाठ करता है, उनके द्वारा रचित राम कथा को ही सच्ची मानता है और उस राम के ही गुण गाता है, और वेद व्यास जी के 18 पुराणों में विश्वास रखता है, भगवान ब्रह्मा की नासिका से जो वेद निकले हैं उसका तो विश्वास उनमें है, वो उसी का प्रचार करता है, वो सनातन यानी कि आपका जो आत्मा है, जो जीव आत्मा है, वो उसी के प्रचार प्रसार में अपने जीवन को, अपने प्राण को लगाए रखता है। तो अभी उन्होंने बड़ा ही सम्मान किया, इसके लिए तो खैर हम शुक्रिया अदा करते हैं। शब शनिदेव महाराज की ही महिमा चौ और विस्तारित होती है, वो जिससे चाहे जो कराए, लेकिन व्यक्ति को दम्भहीन रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। मैं अपने भगवान से एक ही चीज मांगता हूँ और कुछ मांगता नहीं, कि मुझे सदा आपके साथ रखे, आपके नज़दीक रखे, और मैं कभी ऐसा महात्मा कदापि ना बन पाऊँ जो आपसे दूर रहूँ, आपको छू ना पाऊँ, आप लोगों से बात ना कर पाऊँ, और इतनी ऊँची गद्दी पे कदापि ना बैठूँ जिससे मेरी आपसे दूरी हो जाए, क्योंकि मेरी निकटता ही मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मिले, और उसके मिलने से मुझे एक लाभ होगा कि जिस निर्गुण और साकार ब्रह्म की लोग बात करते हैं, वो जो निर्गुण और साकार है, वो जो ज्ञान ध्यान समाधि से ही मिलता है, वो मुझे आपकी सेवा से अवश्य में मिलेगा ही मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी जिसका ब्राह्मण पाठ करते हैं गीता माता का, उनके मुख से जो निश्रित सार शब्द है गीता, उसमें भगवान, क्योंकि मैं तो भगवान की वाणी को सर्वोपरि मानता हूं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कर्म को, जो ज्ञानी है, ज्ञानी जन है, और वे कर्म को शुद्र मानते हैं यानी कि कर्म योग को छोटा मानते हैं, वे उनकी गलत अवधारणा है, उनका मत गलत है, क्योंकि कर्म योग भी
ज्ञान योग और भक्ति योग के ही समान है। तो सेवा परमो धर्म, जो सेवा है दुनिया में वो सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए अपने बच्चों को भी उनकी भी आदतों में डालो कि वे सेवा करें, संसार के प्राणी मात्र से प्रेम करें और छोटा बड़ा कदापि किसी में ना देखें, क्योंकि भगवान तो सब जीवों में समान रहते हैं, तो उसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो एक ब्राह्मण जब रैदास जी की वाणी गाता है तब वो छोटा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि रैदास जी जिस जाति में पैदा हुए हैं वो सब जानते हैं, भगवान किसके यहाँ नहीं आए हैं ये भी सब जानते हैं कि उन्होंने तो मीन बनकर कच्छप बनकर सब जगह जन्म लिए, अवतार लिए हैं, और हमारा उद्धार ईश्वर जाति से बंधा हुआ नहीं है। तो हम जातियों से क्यों बंधे, हम क्यों ना उस उच्चता को ग्रहण करें, उस संभाव को ग्रहण करें जिससे हम सबके साथ न्याय संगत हो सकें और ईश्वर की प्राप्ति कर सकें। जो हमारा मेल है वही हमारी शक्ति है, वही हमारा सनातन है, वही हमारी ताकत है, वही हमारा अद्वितीय प्रेम है, और उसी से ईश्वर की और भगवत की प्राप्ति होती है। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। बोलो पूंछ वाले बाबा की जय। बोलो बजरंगबली महाराज की जय। बोलो मूंछ वाले बाबा की जय। बोलो शनेश्वर देव की जय। जय कलयुग के अधिपति नाथ की जय। तो एको देवा कलोशन, मैं नहीं हूंगा कैसे और डंका बजवाएंगे, किसी और को पकड़ेंगे, किसी और को दर्शन देंगे, मेरे जाने के बाद भी ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि कलयुग में शनि देव का वास है और कलयुग के वो अधिकारी है और रात्रि के भी अधिपति है, और जो शमशान रूपी रात्रि है वो कलयुग में अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है, वो कम होती नहीं, इसलिए उसी की शरण में जाने से ये लाभ हम सबको मिलेगा, परम लाभ हम सबको मिलेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब कार्य भी प्रारंभ करते हैं भाई, समय हो गया।